सोनीपत के राय विधानसभा सीट से 3 वोट से विजयी कांग्रेस के विधायक जयतीर्थ दहिया का चुनाव पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसको लेकर राय से कांग्रेस के युवा नेता सुनील खेड़ी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला आने में जो देरी हुई है वह एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जयतीर्थ दहिया ने कमज़ोर करने का काम किया है। हम पार्टी हाईकमान से निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने जमीनी स्तर से जुड़कर रात दिन एक कर पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दे। सभी कार्यकर्ता संगठित होकर राय विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। साइलेंट साइलेंट मीडिया साथियों का यहाँ पहुँचने पर हम जैसे धन्यवाद करते हैं। और जो कल हमारी न्यायाधीश और माननीय हाईकोर्ट ने जो एक फैसला दिया है जयतीर्थ दहिया के विषय में, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये फैसले में इतनी देरी, हम उसका सम्मान तो करते हैं पर इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। जो एक राय की जनता ने जिस इनेलो पार्टी के जयतीर्थ दहिया को यहाँ से विजय घोषित किया था और इतना देरी का जो समय लगा है, वो जनता के साथ एक दुर्व्यवहार हुआ है। और जो हमारे जयतीर्थ दहिया जी थे, इन्होंने इन 5 सालों में पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया है। ये फैसला अगर उसी टाइम आ जाता तो ये पार्टी को हम राय क्षेत्र में इतना नुकसान नहीं होता। और एक हमारे माननीय डॉक्टर अशोक तंवर के प्रति एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, ये तो हमारी खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके खिलाफ इन्होंने रात दिन गाड़ गलौचियों का जो काम किया और एक भोगने का काम किया है। ये भोगने की बजाय बीजेपी सरकार को काट लेते तो अच्छा रहता। और हम तो माननीय हाईकोर्ट से निवेदन करेंगे इसके साथ बड़ा संज्ञान लें और इसको जो इसके साथ कार्रवाई होगी आने वाले चुनाव में उसको लोग याद रखेंगे। और हम माननीय अपने हाईकमान से निवेदन करते हैं कि जिन साथियों ने, हमारे माननीय सतपाल चौहान जी भी हैं, इनके पिताजी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे माननीय भाई बड़े राजेश दहिया जी भी हैं, हमारे साथी मुरथल से भी हैं संजय अतल भी, और हमारे जिन साथियों ने कांग्रेस के साथ रात दिन लग के जो इतनी मेहनत की है, हम तो हाईकमान से यही निवेदन करते हैं कि सच्चे सिपाही को अपनी जिम्मेवारी दें और राय क्षेत्र से कांग्रेस को विजय बनाएं। इनके खिलाफ ये होना पड़ा ना, उन्होंने हाईकमान का कांग्रेस का कभी सपोर्ट ही नहीं की। उसने तो एक व्यक्तिगत भावनाओं में भोगने का काम किया है, उसने भोगना भी नहीं चाहिए था। और किसी कुत्ते ने थोड़ी ना पाड़ रखे हैं भोगने का काम करें। अगर भविष्य में जो हमारी हाईकमान का आदेश होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, पर यहाँ से अगर जयतीर्थ दहिया को टिकट देते हैं, अब तो टिकट का उसका सवाल पैदा होता ही नहीं। घोषित कर दिया है, उसको हार का सामना करना पड़ेगा। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।